हेलो बच्चों इट्स योर बायोलॉजी शुक्ला तो बच्चा पार्टी आपको चाहिए था एक घंटे के अंदर मैराथन फुल बायोलॉजी डोंट वरी ये सेशन हम लाए हैं और ये सेशन ना ऐसी होने वाली है कि जैसे वो पॉडकास्ट सुनते हो ना कहीं आते जाते हाँ चलो ठीक है हेडफोन लगा लिया सुनते चलो ऐसे ही आप एग्जाम टाइम में इसको सुन सकते हो रात में भी सुन सकते हो ठीक है सुनते जाना हम बहुत ज्यादा इस पर लिखने की कोशिश नहीं करेंगे अदरवाइज इट विल बी डेफिनेटली इन फिर तो इम्पॉसिबल हो जाएगा पूरा एक घंटे में बायोलॉजी करना तो सुनते जाओ देखो अपने पास क्या होती है सेक्सुअल uh, रिप्रोडक्शन का मतलब मेल-पिमेल पार्ट का बात करें बेसिक्स इतना आपको पता है एंड्रोशियम में मेन पार्ट जो अपने काम का है वो है एंथर ठीक है एंथर अपना क्या होता है वो होता है डिजिटल एंड वो होता है आपका डाइ लोब्ड बाईल ठीक है उसके अंदर चार माइक्रोस्पोरेंजियम होती है चारों कॉर्नर पे होती है और उसी के अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू फील्ड होते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू ही अल्टीमेटली माइक्रोस्पोर मदर सेल बना लेते हैं और वो मियोसिस डिवीजन करते हैं मियोसिस डिवीजन करके हमारे पास चार माइक्रोस्पोर बना लेते हैं ठीक है अब ये माइक्रोस्पोर जो है यही अल्टीमेटली हमारे माइटोसिस छोटी की, की 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 सी वेस्टेटिव सेल मिलेगी, से जनरेटिव सेल मिलेगी ठीक है यही अल्टीमेटली माइटोसिस करके थ्री सेल स्टेज में आ जाती है जहां पर जनरेटिव सेल हमारी जो होती है वो हमारी दो मेल गैमेट बनाती है ये हो गया मेल पार्ट फीमेल पार्ट में आपको क्या समझना है फीमेल पार्ट में याद रखना जो अपना मेगा स्पोर मदर सेल है उसमें मियोसिस होती है चार मेगा स्पोर बनता है बट चार में से तीन तीन हमारी डी एक बचती है और जो हमारी मेगा है उसमें माइटोसिस डिवीजन करके वो बना लेती है सेवन सेल एट इम्ब्रायो सैक, जिसमें आपको पता है तीन एंटीपोडल दो सिन एक, -एक बीच की दो पोलर निकलाई जो की होती है सेंट्रल सेल के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंटली फुली फॉर्म ऑपरेटर्स आपका सिनर्जिट सेल के ऊपर होता है जो कि अल्टीमेटली पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करता है हाँ पॉलिन ग्रीन की जो आउटर लेयर है एग्जाइन बोलते हैं एग्जाइन का बना होता है पॉइंट मत भूलना वो किसी भी हाई टेम्परेचर ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एसिड को विदस्टैंड कर सकता है उसको कोई नहीं फर्क पड़ेगा ले आओ हम नहीं मरेंगे ऐसा वाला उसका कहानी है ठीक है एग्जाइन लेकिन कॉन्टिन्यूस नहीं होती एग्जाइन अपनी डिस्कॉन्टिन्यूस होती है वहां पे होते जर्मपोर जर्मपोर का फंक्शन पूछा जाएगा आप आंसर लिख के आओगे कि वहां से अराइज होती है माइक्रोपाइल से एंटर करती है माइक्रोपाइल आपकी हो गई ओपनिंग होता क्या है एक मेल गैमेट अपनी एग से मिल जाती है बना देता है जाइगोड दूसरा मील गैमेट अपना बना लेता है पोलर से मिल जाता है बना देता है अपना ट्रिप्लॉइड पीईएन ट्रिप्लॉइड एंडोस्पम में अल्टीमेटली यही डेवलप हो जाता है जब भी आपका डबल फर्टिलाइजेशन होता है डबल फर्टिलाइजेशन एंडस्टमेंट की प्रॉपर्टी है जब भी डबल फर्टिलाइजेशन होता है सबसे पहले एंडोस्पर्म थोड़ा अमाउंट में डेवलप हो जाता है क्यों क्योंकि को ही अल्टीमेटली डेवलप होता है याद रखना जिस सीड में पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाए उस सीड को हम बोलेंगे नॉन एल्बुमिन सीड या फिर नॉन एंडोस्पमिक सीड जिस सीड में बचा रह जाए उसे हम बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड या फिर आपका एल्बुमिन सीड एल्बुमिनियस सीड जनरली हमारे मोनोपॉट होते हैं नॉन एल्बुमिन सीड जनरली हमारे डाइकॉट होते हैं ठीक है अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली एंडोस्पम्प का सबसे तगड़ा एक्साम्पल है न्यूक्लियर का कोकोनट वाटर याद रखना ठीक है अब हम आगे नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि अपना पास क्या होती है उसके बाद क्या है उसके बाद तो कुछ नहीं सीड का डेवलपमेंट है सीड के फंक्शन आप लोग बच्चों जैसे लिखी लोगे वहां पे कुछ है नहीं हाँ पॉलीशन में थोड़ा अच्छा अच्छा चीज आ जाता जा है इसको थोड़ा ध्यान देना पॉलिनेशन में अपना ऑटोगेमी जिटनोगेमी जिनोगेमी ऑटोगेमी याद रखना सेम प्लांट सेम फ्लावर जिटनोगैमी याद रखना सेम फ्लावर डिफरेंट प्लांट याद रखना डिफरेंट प्लांट ये आपको पॉलिनेशन में याद रखना है और दूसरा बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना कि जितने भी बायोटिक वाले होंगे सारे अट्रैक्टिव होंगे कलरफुल होंगे और आपका जो अबायोटिक वाला होगा बहुत गंदा सा होगा क्योंकि भाई उसे कौन सा हवा पानी को अट्रैक्ट करना है ठीक है ये हो गया हमारा इतनी सी कहानी इसके अलावा आपको याद रख लेना पेरिसम थोड़ा पढ़ लेना पेरिसम न्यूक्लियस उसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा ब्लैक पेपर और बीटरूट उसके अलावा आप क्या पढ़ लोगे आप पढ़ लोगे पॉलिम ब्रियोनी क्या है अगर एक स्ट्रक्चर के अंदर कई सारे एम्ब्रियो इसका एग्जाम्पल आपका सिट्रस और आपका मैंगो ठीक है ये याद रखना और उसके अलावा आपको कुछ खास करना है नहीं ठीक है इतनी हो गई हमारी कहानी अब आ गए हम मेल रिपोर्डक्ट सिस्टम मेल रिपोर्टक्टिव सिस्टम में कुछ नहीं करना है अपने पास मेल फीमेल रिपोर्टक्टिव सिस्टम मेल फीमेल पढ़ना ही है मेल में याद रखना कि मेल में एक टेस्टिस होता है टेस्टिस ही आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोला जाता है क्योंकि सी सेल ठीक है दूसरा आपका पूछा जाएगा यहां पे अब देखो जो हमारी टेस्टिस होती, टेस्टिस के अंदर हो गई अपनी एक से कंपार्टमेंट में हर एक में एक से तीन है ओवरऑल सेमिनिफेस ट्यूब्यूल आपको मल्टीप्लाई करने बोला जाए आप मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लोगे ठीक है के अंदर होती है दो तरीके की सेल एक होती है अपनी स्पर्मेटोगोनिया सेल दूसरी होती है अपनी सर्टोली सेल सेल स्पर्मेटोगोनिया अपनी क्या करती है Deployed होती है वो अल्टीमेटली डिवाइड करके बनाती है आपका स्पर्म स्पर्म का मत स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड बनने तक की प्रोसेस को स्पर्मेटिडोजेनेसिस बोलते हैं स्पर्म बनने की प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं और पूरी प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेल और पहले हर एक सेल आपकी डिप्लॉइड होगी इसमें मत भूलना ठीक है एक सेल डिवाइड करके मेल में चार बनाती है फीमेल में क्या होता है फीमेल में जस्ट उल्टा होता है एक से एक बनती है और दो पोलर बॉडी आपकी अल्टीमेटली वहां पे बनती है मेल फीमेल में 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 एक और अंतर होता है कि मेल प्यूबर्टी पे स्टार्ट होती है फीमेल में फीमेल में जब खुद स्टेज पे होती है, तब आपकी उजेनसिस स्टार्ट हो जाती है ठीक है मेल में का क्या काम है चार है इप, बहुत जरूरी है अल्टीमेटली मिलकर से बाहर ठीक है और हां इनका काम है मेच्युरेशन और ट्रांसपोर्ट करना और अगर हम एसेसरी ग्लैंड की बात करें एसेसरी ग्लैंड का क्या काम होता है भाई ये सेमिनल प्लाज्मा बनाती है सेमिनल वेसाइकल आपकी से लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है ठीक है ये आपकी मेनली फ्रक्टोज देती है फ्रक्टोज हो गया से, खैर सेमिनल प्लाज्मा का आपको बता देने सेमिनल प्लाज्मा अपने फ्रक्टोज होता है कैल्शियम होता है कुछ एंजाइम होते हैं ये सारी चीजें होती हैं ठीक है ठीके? उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली बल्ब ग्लैंड एक तरीके की लुब्रिकेटिंग का, का काम करता है, है? है, का है जो लूज फोल्ड स्किन के आगे का इन एंड को हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं ग्लांस ठीक है अच्छा अब देखो जो स्पर्म बनता है स्पर्म की एक खास बात होती है ठीक है ये देखो स्पर्म अच्छा सेल का काम नरिशमेंट है मत भूलना सेल के अंदर नाम सेल भी है ठीक है इस के अंदर हमारे तीन पार्ट होते हैं एक होता है हेड एक होता है आपका नेक एक होता है पेस, एक होती है टेल जिसमें से हेड के ऊपर पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है सॉरी कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको एक्जोम बोलते हैं उसमें हेलोरॉनिक एसिड भरी होती है और भी बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो कि अल्टीमेटली एग के पेनिट्रेशन के काम आते हैं मत भूलना मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होती है और आपके टेल स्विमिंग के काम आते हैं और न्यूक्लियस जो होता है वो स्पर्म के हेड में होता है 200 से 300 मिलियन स्पर्म आपके एक इजाकुलेशन में निकलते हैं जिसमें 60 परसेंट की नॉर्मल शेप एंड साइज होनी चाहिए और 40 परसेंट की विगरस मोर्टेलिटी होनी चाहिए ये तो हो गई मेल की बात अब थोड़ा सा फीमेल भी इंटरेस्ट ले लेते हैं फीमेल में भी अपने पास ओवरी हो जाती है मेल अरे ओवरी को गाय भी कर दी इनमें नहीं नहीं है ने? ने, ने, ओवरी हो जाती है अपनी मेल <laughs> मेल नहीं है ओवरी मेल नहीं होती है ओवरी हो जाती है अपनी प्राइमरी ऑर्गन क्योंकि उसमें बनाता है ओवा और ओवा के साथ साथ उसमें से बनते हैं हैं एस्ट्रोजन बोले तो हार्मोन ऑन जो कि आपके पे वर्क करते इसको मत भूलना ठीक है अब देखो एक और चीज याद रखना ओवरी में ओवरी आपकी पिथिल लाइन से कवर होती है उसके अंदर में आपका क्या होता है पूरा स्ट्रोमा फिल्ड होता है जो कि दो पार्ट में डिवाइडेड होता है एक होता है कॉर्टेक्स एक होता है आपका मेडुला कॉर्टेक्स के अंदर ही सारे फॉलिकल होते हैं फॉलिकल में स्पेशली याद रखना एंट्रम

की बात करें दस से बारह सेंटीमीटर की होती है है इसमें तीन पार्ट होता हैुलम एम्पुला और आपका एम्पुला एंड स्थमस इनफंडीबुलम के आस पास ऐसे लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसका नाम क्या होता है आप मुझे बताएंगे उसका नाम होता है पिम्बरी विच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवा एम्पुला की तो भाई बात ही छोड़ दो उसमें इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इस्थमस तो करता है कनेक्ट सबसे इंपोर्टेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूट्रस की तीन लेयर होती है पेरीमेट्रम माओमिट्रम इन पेरीमेट्रम करती है बेसिकली प्रोटेक्शन करती है मायोमिट्रम स्मूथ मसल की बनी होती है जो कि आपकी कॉन्ट्रैक्ट करती बेबी को बाहर में भेज देती बोलती भाई बहुत आराम कर लिया नाइन वन द आते ठीक है एंडोमेट्रम आपकी ग्लैंडुलर टिश्यू होती है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेस्ट्रल साइकल का पूरी कहानी एंडोमेट्रन के किसी में होता नहीं है ठीक है सर्विक्स और वेजाइना कुछ नहीं है आपका यूट्रस का एक्सटेंडेड पार्ट है ये दोनों मिलकर बर्थ कैनल बनाते हैं इतना याद रखना बस और कुछ नहीं याद रखना ठीक है एसेसरी ग्लैंड में मेमरी ग्लैंड और देखो होता क्या है <laughs> एक uh,

ठीक है बट याद रखना मियोसिस कंप्लीट नहीं होती है मियोसिस वन आपकी कंप्लीट होती है प्यूबर्टी पे मियोसिस आपकी में कंप्लीट होती है जब आपका स्पर्म उसको टच करता है वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है इस चीज को याद रखना अब देखो यहां पे क्या होता है एंटीरियर पिट्यूटरी आपकी से जिल करती है यहां पे भी यही होता है यहां पे आपका क्या करती है ये लीडिंग सेल पे वर्क करती है सर्टोली सेल पे वर्क करती है इस पर मियोजेनेसिस कराती है और यहां पे आपका एंड्रोजन और फीमेल में ओवेरियन फॉलिकल एस्ट्रोजन निकालती है और ये कॉर्पस ल्यूटियम आपका प्रोजेस्टेरोन ये वाला पोर्शन थोड़ा सा आप कर लेना अब आते हैं मेंस्ट्रुअल मेंस्ट्रुअल साइकिल साइकिल कब होती है जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती है जब ओ, ओ, ओवा के पास स्पर्म जाता ही नहीं बोलता नहीं मैं नहीं आऊंगा तुम तो इंतजार करती बैठी रहो ठीक है तो एक दो दिन इंतजार करके फेलोपियन ट्यूब फेलोब्यूब से उसको बॉडी से बाहर फेंक देती है वही होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल इसमें होते चार फेज मेन्ट्रोल फेज फॉलिकुलर फेज ओव्यूलेटरी फेज ल्यूटियल फेज ठीक है फर्स्ट फाइव डेज मेंस्ट्रुअल फिर आपका हो गया थर्टीन डे तक फॉलिकुलर क्योंकि यहाँ पे फॉलिकल डेवलप होते हैं

ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज में जिसमें दो लेयर होती है ट्रोफोब्लास्ट इनर सेल मास अंदर में ब्लास्टोल की कैविटी ट्रोफोब्लास्ट का फंक्शन होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको क्रोनिक बिलाई बोलते हैं उसको बना के यूट्राइन टिश्यू से मिलके प्लेसेंटा बना लेना जो कि बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होगी आपकी ऑक्सीजन एक्सक्रीटा बेस इस सबके लिए ट्रांसपोर्ट के लिए अच्छा प्लेसेंटा भी डायरेक्ट नहीं कनेक्टेड होता है बॉडी से प्लेसेंटा और इम्राय के बीच में एक अम्बिलिकल कॉर्ड होती है ठीक है अब देखो इनर सेल मास का काम क्या होता है इनर सेल मास का आपका काम होता है वो आपकी तीन लेयर बना देती है और इन तीनों लेयर से आपका पूरा बेबी बन जाता है और फिर जब बेबी बन ही गया है तो बॉडी में रह के क्या करेगा उसको भी तो आके मेरी क्लास लेके बायो पढ़ना है तो उसको फिर आपका बेबी और मदर की बॉडी दोनों एक मैसेज भेजते हैं जिसको फीटल रिफ्लेक्स बोलते हैं ठीक है और वो आपका जाके क्या करता है वो आपका जाके पार्चुएशन के लिए मैसेज देता है फिर ऑक्सीटोसिन रिलीज होती है ऑक्सीटोसिन फॉर

तीन चीजें हैं एक है प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी बहुत सारी हैं आपको पता ही है है ना लड़की की शादी करा दो जल्दी तो प्रॉब्लम हो जाएगी पहले क्या होता था यहां से आपका एक क्वेश्चन आता है कि हमारी सबसे पहले फैमिली प्लानिंग किसने शुरू की नाइनटीन में सबसे ज्यादा जो आपको याद रखना वो ये याद रखना है कि हमारी पास क्या होती हैं हमारे पास होते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बहुत सारे मेथड होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव एक तो हो गया क्या वजह है वजह यह है कि अब हमारी लाइफ स्टाइल बेटर हो चुकी है लोग मौत नहीं हो रही है और तीसरा बहुत लोग का मानना है कॉन्डम वगैरह यूज नहीं करते बर्थ बढ़ाई जा रहे बढ़े ही जा रहे जा कौन सी क्या है सब एक दूसरे को मारेंगे पॉपुलेशन ज्यादा होगी क्राइम रेट बढ़ जाएगा कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है बेसिकली कॉन्ट्रासेप्टिव ऐसे डिवाइस हैं जो कि आपकी प्रेगनेंसी को रोकेंगे इवन आफ्टर हैविंग तो उसमें आ जाता है हमारे पास आ जाते हैं पिरोडिक और विड्रॉल और लेरिया

बैरियर मेथड खैर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में नहीं आएगा इसको यहां हटा दो आयोडीज <coughs> में हमारे पास तीन हो जाती कॉपर रिलीजिंग हार्मोनल मेडिकेटेड कॉपर रिलीजिंग में तीन है कॉपर टी कॉपर सेवन लोड एक्साम्पल याद रखना तीनों आपकी स्पर्म की मोटेलिटी को कम कर देती हैं ठीक है थीके? उनका अलग ही लेवल पे मार पीटना शुरू कर देती है ठीक है हार्मोनल हार्मोनल में हमारे पास आ जाता है प्रोजेस्टासर्ट नॉन मेडिकेटेड में नॉन मेडिकेटेड में हमारे पास आ जाते हैं स्लोप, इन तीनों का फंक्शन एक बार देख लेना नोट्स है ठीक जा है, है? है सहेली सहेली की खास बात क्या है? पिल है डी आपकी आई लखनऊ में बनी थी सर्जिकल में वैसेक्टोमी एक तरीके का आपका सर्जिकल क्यों अच्छा होता है क्योंकि ये काइंड ऑफ परमानेंट मेथड होता है और इसमें पोअर्ली रिवर्सिबिलिटी होती वैसे मेल में की जाती है वास डिफरेंस को कट करके टाई कर दिया जाता है ट्यूबेक्टॉमी फीमेल में होती है आपकी फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर दिया जाता है इसका डायग्राम देख लेना इंपॉर्टेंट है अब आ जाते हैं एसटीडीज टीडीज में अच्छा हाँ एसटीडीज में कुछ खास नहीं है एसटीडीज में बेसिकली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हैं जो कि फ्लू डिस्चार्ज से होती हैं याद रखना जेनेटिकल हर्ब्स एड्स और आपकी हेपेटाइटिस बी ये तीनों क्यूरेबल नहीं बाकी सब क्यूरेबल है फीमेल में जनरली असिमटोटिक होता है सिम्टम्स उतना पता नहीं चलता सिम्टम्स होते क्या है खुजली हो रही है थोड़ा सा दर्द हो रहा है जेनेटल रिजम में स्वेलिंग हो रखी है ठीक है और फीमेल में आपके आ, बार बार डेथ बर्थ हो रही है या फिर अबॉर्शन हो जा रहा है ठीक है और इसका इसका उपचार क्या है सेक्स अवॉइड करो कॉन्डम लगाओ बस और इंट्रावेनस इंजेक्शन मत लो अगर नशा करना ही है तो अपनी अपनी से करो ठीक है ये इतनी सी यहां पे कहानी अच्छा कभी कभी क्या होता है कुछ लोग को बेबीज नहीं होते इवन आफ्टर ट्राइंग ठीक है तो वो उनको हम बोल देते हैं असिस्टेड टेक्नोलॉजी उसमें हमारी है चार चीजें आईबीएफ बेसिकली लैब के अंदर इसको तो लेकर फर्टिलाइज करेंगे फर्टिलाइज करके इम्राय बना देंगे इम्ब्रायो को ट्रांसफर अगर फेलोपेट ट्यूब में कर दिए जिफ्ट बोल दिए अगर ड्यूटरस में ट्रांसफर कर दिए तो आई बोल दिए अगर जो फीमेल ओवा नहीं बना रही है तो उसमें जिफ्ट होता है ट्रांसफर ठीक है आईसीएसआई जब मेल पे प्रॉब्लम होती तब होते हैं आर्टिफिशियलिनेशन जब मेल में प्रॉब्लम होती तब होती है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन यही होती जब मेल में प्रॉब्लम होती तब होती है तीनों मेल वाली प्रॉब्लम है ये आपके चार फीमेल वाली और इतनी मुसीबत क्यों लेना है क्योंकि हमारी ए आर टी महंगी है इससे बेटर है कि बेबी को एडॉप्ट कर लिया जाए नेक्स्ट आ जाते हैं चैप्टर फाइव में चैप्टर फाइव में आपको क्या पढ़ना है कुछ यहाँ पे खास है ही नहीं है एक मंडल बाबा है मेंडल बाबा को इज्जत वगैरह मिली नहीं फिर उसने उन्होंने लॉ दे दिया मेंडल के लॉ में आपको याद रखना है कि मोनोहाइब्रिड से दो लॉ मिले थे लॉ ऑफ डोमिनेंस और सेग्रीगेशन लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है कि जीन पेयर में होगा जो भी बच्चा आएगा वो किसी एक को रेफर करेगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में याद रखना एफ वन का रेशियो फाइव इज टू थ्री इज टू वन आया था फिनोटिपिक वन इज टू टू इज टू वन आया था जीनोटिपिक ठीक है अब देखो मेंडल के लॉ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंडल का लॉ कौन नहीं मानता उनका डेविएशन डेविएशन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस को डॉमिनेंस इनकम्लीट डोमिन क्या है जब कुछ इंटरमीडिएट फीचर है जैसे स्नैप ड्रैगन में देखा जाता है वहां पे जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो सिमिलर आता है one, one यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ठीक है तो इसको याद रखना और उसके बाद हमारे पास आ गया क्या हमारे पास आगे हम लोग एक्सेप्शन अच्छा हाँ कोडोमिनेंस कोडोमिनेंस एबी ब्लड ग्रुप में देखा जाता है वहां पे ए और बी दोनों एक दूसरे के ऊपर डोमिनेटिंग होते हैं इसलिए दोनों ब्लड ग्रुप दिख जाता है ठीक है जब दोनों की मानी जाए कोडोमिनेंस जब किसी एक की तो इनकम्प्लीट आ जाते हैं पॉलीजेनिक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस क्या है जब एक से ज्यादा जीन रिस्पॉन्सिबल हो एक करेक्टर के लिए प्रियोट्रॉपी क्या है जब एक जीन आपका कई सारे करेक्टर को कंट्रोल करे प्रियोट्रॉपिक एग्जाम्पल पीकी है इसको मत भूलना पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हमारी क्वांटिटेटिव होती है स्किन कलर और वीट का कर्नल कलर ठीक है अब हम आ जाते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस में डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो याद रखना नाइन टू थ्री टू थ्री टू वन वहां से क्वेश्चन आते हैं

क्रोमोसोमल क्रोमोजोमलिटेस जिस, जिसके थ्रू हमारा किसने दिया था कुछ नहीं इसमें यह बताया गया था जो जो हमारा जीन का बिहेवियर है क्रोमोजोम से पैरेलल है और यहाँ पे याद रखना लिंकेज रिकॉम्बिनेशन ठीक है लिंकेज उतना अच्छा होगा जितना फिजिकल जितनी दूरियां कम होंगी डिस्टेंस जितना कम होगा फिजिकल सिचुएशन जितना अच्छा उतना लिंकेज अच्छा रिकॉम्बिनेशन क्या है कि लिंकेज का जस्ट अपोजिट है ठीक है लिंकेज अच्छा रिकॉम्बिनेशन कम लिंकेज खराब रिकॉम्बिनेशन ज्यादा ये अच्छे से करके जाना यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं ठीक है म्यूटेशन में एनिप्लॉयडी पोलिप्लॉयडी का रीजन याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंटली ठीक है अब देखो हम आ जाते हैं पॉइंट म्यूटेशन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कुछ खास डिफरेंस है नहीं अरे सॉरी बहुत डिफरेंस है पॉइंट <laughs> म्यूटेशन हमारे सिकल सेल एनीमिया में देखा जाता है याद रखना जीए जी से जीओ जी बन जाता है पहले ग्लूटामिक एसिड बना होता है फिर आ, आपकी बन जाती है वैलीन और उसके बाद वहां पे आपका पॉइंट म्यूटेशन देखा जाता है सिकल सेल एनीमिया के अंदर ठीक है पॉलीप्लॉयडी प्लांट्स में देखी जाती है एनिप्लॉडी इंसानों में देखी जाती है जेनेटिक डिस हैं एक क्रोमोजोमल हो सकते हैं हब के मेंडेलियन हो सकते हैं क्रोमोजोमल में तो हमारे पास हिमोफीरा सिस्टिक फाइब्रोसिस बहुत सारी चीजें आ गई सबसे ज्यादा क्रोमो सॉरी ये मेंडेलियन हो गया क्रोमोजोमल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां से क्वेश्चंस खूब आते हैं डाउन सिंड्रोम में क्या हुआ था 21st क्रोमोसोम की ट्रिपलॉइडी हो गई थी क्लिनी फिल्टर्स में एक्स एक्स वाई कंडीशन आ गई थी टर्नर सिंड्रोम में एक्सो कंडीशन थी इसको मत भूलना इसके सिम्टम्स याद रखना डिसऑर्डर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट यहां पे भी आपको क्या करना है अच्छा यहां से से लेनी हुई है और कलर ब्लाइंडनेस के थोड़ा सा पे. में यहाँ पे हमारी कहानी क्या शुरू होती है बेसिकली सबसे पहले हमारे पास मोलिकुलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस में तीन लोगों ने एक्सपेरिमेंट दिया था एक थे हमारे ग्रिफिथ बाबा जिन्होंने चूहा पकड़ लिया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था इन्होंने सिर्फ इतना बताया था कि जब हम एस स्ट्रेन हीट किल्ड एस स्ट्रेन को लाइव आर स्ट्रेन से मिक्स कर देंगे तो चूहा मर जाए मर जाएगा जो कि मरना नहीं चाहिए था था क्यों क्योंकि एस स्ट्रेन तो अपना विरुलेंट था, और वो ऑलरेडी हीट किल्ड हमने कर दिया था और आर स्ट्रेन तो तो नॉन विरुलेंट था तो बस इन्होंने इतना दे दिया था कि कुछ तो ट्रांसफर होता है ठीक है उसके बाद हमारे पास आ गए एवरी मेकलॉइड मैकर्टी और हमारे पास आ गए मिसल संस्थॉल एवरी मेकलॉइड मैकॉर्टी ने क्या किया था अच्छा एक और एक एक्सपेरिमेंट अपना यहाँ पे है सॉरी ये वाला इन्हीं के एक्सपेरिमेंट को ना बायोकेमिकल हमारे तीन साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट को आपका कंटिन्यू किया था इन्होंने बता दिया था कि मेटल बट हमने इज्जत नहीं दी थी हर चीज ने इन्होंने एक बैक्टीरिया ले लाइर ले लिया था इस को याद रखना इसका एक बार डायग्राम देख के जाना डायग्राम एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है उसके बाद अपने पास डीएनए में क्या होता है तीन सेंट्रल डॉगमा सेंट्रल डॉगमा क्या होता है कि आपका डीएनए से बनेगा आरएनए उसको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन आरएनए से बनेगा प्रोटीन उसे बोलेंगे ट्रांसलेशन ठीक है इसे याद रखना हमारा सेंट्रल डॉगमा आपका वायरसेस में फॉलो नहीं होता है ठीक है अब देखो यहां पे आपको क्या करना है नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा का सेमी मिसलसेंटिचर ऑफ डीएनए ठीक है इन्होंने क्या यूज किया था इन्होंने बस आपकी N15 में बैक्टीरिया को ग्रो करा लिया था और इन्हें चालीस मिनट बाद एक हैवी हैवी मिल गया सॉरी जीरो हैवी मिला था एक हाइब्रिड मिला था एक लाइट मिला था, था इसका रेशियो पूछा जाता है डायग्राम अच्छे से देख के जाना है यहाँ पे और उसके बाद अपने पास आ जाते हैं डीएनए से अच्छा ये तो हो ही गया हमारा डीएनए से आरएनए बनना आरएनए से पॉलीपेप्टाइड बोले तो प्रोटीन बनना आरएनए तीन तरीके के होते हैं आरआरएनए टीआरएनए एमआरएनए एक और बात है ट्रांसक्रिप्शन में प्रोकैरियोट में प्रोकैरियोट में आपका क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन में कोई भी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन चेंजेस नहीं होते हैं ठीक है यूकैरियोट में होता है स्प्लाइसिंग कैपिंग टेलिंग इट इज वेरी इंपॉर्टेंट करके जाना ट्रांसक्रिप्शन का डायग्राम एकदम चबा के खा के जाना ठीक है उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हमारे पास आ जाता है आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हमारे दो चीजें होती हैं ठीक है ठीके?

और सारे डायग्राम्स डायग्राम्स यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट ये देखो चलो लैक ऑफ प्रॉब्लम समझा देते हैं ये देखो हमारा रेगुलेटर प्रमोटर ऑपरेटर होता है याद रखना जीन आई हमारी रिप्लेसर प्रोटीन बनाती है वो तभी आप और वो जाके बाइंड हो जाती है ऑपरेटर रीजन से जिसकी वजह से आर एन आगे नहीं जा पाता अपना काम हो नहीं पाता है लेकिन लैक्टोज जब आके उससे बाइंड हो जाता है तो आपका क्या होता है कि फिर लैक्टोज आके बाइंड कर देता है तो इसको स्विच ऑन कर देता है ठीक है ये तो आपने एनसीईआरटी का डायग्राम इसको स्थिति ठीक है देखो इवोल्यूशन बहुत तगड़ी, -तगड़ी थ्योरिया ये है कुछ नहीं है हाँ इंसान बन गए स्पॉन्टिनियस जनरेशन की कुछ नहीं अचानक से गंदगी से इंसान निकल आए आई मीन लाइफ निकल आई स्पेशल क्रिएशन की छह दिन में पूरी दुनिया बन गई जैसी थी वैसी है आज तक कुछ बदला ही नहीं आम आयोजन से थोड़ी ठीक ठाक थी हाँ इनऑर्गेनिक मैटर से कुछ बना ठीक है अब हमारे पास क्या होता है इसके बहुत सारे इवोल्यूशन के हमारे पास एविडेंसेज हैं जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा आपको होमोलॉगस ये करके जाना है एक तो अपने पास फॉसिल वगैरह से है ठीक है बहुत सारी बोन मिलती है दूसरा हमारे पास क्या है जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करके जाना है वो है आपका डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ठीक है इसको मत भूल के जाना कन्वर्जेंट इवोल्यूशन आपका बनाती है एनोलॉगस ऑर्गन से डाइवर्जेंट इवोल्यूशन अपना होता है होमोलॉगस से एच डी ए सी इंपॉर्टेंट याद रखना डायग्राम के जाना

हाँ, चलो फिर से हम बोल देते हैं डायरेक्शनल हमारा हो गया डायरेक्शनल हमारा हो गया कि आपका क्या है किसी एक को चूज कर ले और हमारा सॉरी एक्चुअली देख रहे हो हमारे हमारे साथ साथ ना बहुत लोग को मैंने जगा के रखा है तुम लोग के लिए जिसकी ड्यूटी सात बजे आठ बजे खत्म होनी चाहिए थी वो भैया अभी यहाँ पे बैठे हैं और ऊपर से अभी मुझे इतने अच्छे से पूछ के जा रहे हैं कि मुझे कुछ पानी या कॉफी चाहिए सोच लो तुम लोग तुम लोग बेटा ना पढ़ो बाकी सब तुम लोग के चक्कर में सबकी बैंड बच जाए ठीक है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पे आते ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में अच्छा इसमें मोलिकुलर इवोल्यूशन में ना इवोल्यूशन uh, में, में आपके जो नोट्स दिए एक बार के लिए प्रॉपरली रिवाइज कर लेना ठीक है अब हम आ जाते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में आपको क्या करना है यहाँ पे कुछ नहीं करना है ह्यूमन हेल्थ डिसीज में सबका कॉजिंग एजेंट याद रखना है जैसे वायरस वायरस में हमारा क्या आ जाता है एच आ जाती है एड्स जो कि एच की वजह से होता है बैक्टीरिया सरमोलना टाइफी हो जाती है जिसका एक मेन विडाल टेस्ट से हम लोग टाइफॉइड चेक करते हैं हेलमेन्थिक और प्रोटोसोवन प्रोटोसोवन में अपनी आ जाएगी मलेरिया ठीक है और उसके बाद अब हमारे पास क्या होता है अच्छा। नहीं सही है कंट्रोल मेजर अपने पास क्या है कंट्रोल मेजर्स अपने पास है कि भाई बीमारी ना हो इसके लिए साफ खाना खाओ गंदा पानी मत पियो साफ पानी पियो ठीक है बैलेंस डाइट खाओ और इंजेक्शन लगवाओ इंजेक्शन मत लगवाओ ठीक है बीमारी मत होने दो और यहाँ पे देखो आप ये वाला क्वेश्चन अगर आ जाएगा ना आप इसको तो बना के लिख लोगे यहाँ पे उतना कुछ खास है नहीं कि हाँ फिश कर दो नेट लगा दो मॉस्कूटो बना दो लाइफ स्टाइल इंप्रूव कर दो बस जो आपको याद रखना है वो है कि निमोनिया जैसे निमोनिया में आ, आपका लंग्स इन्फेक्ट होता है ये याद रखना है टाइफॉइड में आपका इंटेस्टाइन इन्फेक्ट होती है सीवियर केस में ये याद रखना है ठीक है अमीबिक डिसेंट्री वगैरह में आपको प्रॉब्लम हो जाती है उसके बाद आपका मलेरिया में याद रखना है कि स्पोरोजोइट आपकी इन्फेक्शन स्टेज है और आपकी जो है आरबीसी और आपकी लीवर दोनों को इन्फेक्ट करती है आरबीसी में गैमेटोसाइड बनाती है ठीक है मलेरिया में याद रख लेना मलेरिया आपका इंसान को सेकेंडरी होस्ट की तरीके से यूज करती है और मॉस्क्यो को प्राइमरी होस्ट के तरीके से उसके गट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है हम लोग की बॉडी में रिप्रोडक्शन होता है ठीक है और हमारी आर्मी से जब रेपचर होती है हिमोजोइन केमिकल रिलीज होता है याद रखना तभी आपको ठंड और बुखार लगती है हमारे पास तीन तरीके के बैरियर होते हैं एक होता है फिजिकल एक होता है फिजियोलॉजिकल एक होता है एक होता है साइटोकाइनिन फिजिकल हो गई अपना स्किन वगैरह फिजियोलॉजिकल में आंसू एसिड ये सब सेलुलर में याद रखना अपनी जो भी डब्ल्यू बीसी आरबीसी ये सब आ जाते हैं साइटोकाइनिन में इंटरफेरॉन रिलीज होता है मत भूलना इसे ठीक है अब हम आ जाते हैं इम्यूनिटी इम्यूनिटी अपनी दो तरीके की एक innate, एक इन्नेट एकट हर किसी से लड़ेगी ठीक है acquired बहुत स्पेसिफिक होती है उसको बस जिसके खिलाफ बनाओ उसी के खिलाफ बनती है और किसी के खिलाफ बनती नहीं है अब हम आ जाते हैं एलर्जी और ऑटो इम्यूनिटी अब हम यहां पे देखो एक इंटरेस्टिंग पार्ट है एलर्जी क्यों होती है एलर्जी मास्ट सेल एग्ज रिस्पॉन्स देता है बेवजह हिस्टामिन रिलीज होती है वहां से इसके रिस्पॉन्स में स्टेड और एंटीहिस्टामिन बना सकते हैं ऑटोइम्यूनिटी का एग्जांपल याद करके जाना रिमटॉइड अर्थराइटिस ठीक है उसके बाद याद रखना सी सेल मेडिएटेड अपनी टी सेल देती है ह्यूमरल अपनी बी सेल देती है इसको मत भूलना एचबीसीटी ठीक है अब देखो पैसिव और एक्टिव पैसिव जो हमें बनी बनाई मिल जाए एजी जैसे हो गई मां से हमें मिल जाती है और एक्टिव जो हम बनाते हैं लिंफोइड टिश्यू वो भी एक तरीके के हमारे दो होते हैं एक प्राइमरी होता है एक अपना सेकेंडरी होता है प्राइमरी जहां पे आपका उनका बर्थ हो रहा है जहां पे उनका है, जहां पे वो इंटरेक्ट कर रहे हैं माल्ट म्यूकोसलोडी परसेंट होता है इस को याद रखना, ये वाले याद रखना, उसके बाद में तो आपको बेटा पूरी वो साइकिल देख के जानी पड़ेगी कैंसर में भी आपको देख के जाना पड़ेगा कैंसर में दो चीजें याद रखना एक 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 आपका क्या होता है कि कोई सेल नॉर्मली क्या होती है जब दूसरे के टच में आती है तो अपनी ग्रोथ बंद कर देती है बट कॉन्टेक्ट इनिवेशन एक प्रॉपर्टी होती है जो नॉर्मल सेल्स में होती है बट कहीं और गिरती है, और पे नया tumor, नया आपका बना देती है। उसे हम बोलते हैं मेलिग्न ट्यूमर बेनिन ट्यूमर सिर्फ एक जगह रहता है इस पॉइंट को याद रखना ड्रग्स एल्कोहल में सबके रिसेप्टर्स कहां पे हैं एग्जांपल्स क्या है ये आप एक बार रेंडमली देख लेना ड्रग्स एक आध क्वेश्चन आ जाता है ठीक है बस हो गया हमारे चैप्टर खत्म नेक्स्ट हम लोग आते हैं माइक्रोब्स माइक्रोव बहुत इजी चैप्टर है माइक्रोव में तो आपको तो यह याद ही होगा अभी तक ठीक है माइक्रोब्स क्या है बेसिकली यहाँ पे तारीफ हमने की है कि हमारे घर के प्रोडक्ट में क्या काम आता है इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जैसे दही बनाना आ गया याद रखना लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से हम लोग दही बनाते हैं और दही में हमारे विटामिन बी ट्वेल्व ज्यादा होता है जो कि हमारी न्यूट्रिशन क्वालिटी को बढ़ाता है और आपकी आपकी बॉडी में माइक्रोब्स का भी ग्रोथ नहीं होता सॉरी विटामिन बी ट्वेल्व आपका क्या करता है विटामिन uh, ट्वेल्व आपका दही में ज्यादा होता है ठीक है जिसकी वजह से आपका ब्लड अच्छा बनता है और दूसरा आप दही खाओगे ना तो आपको पेट में कोई और माइक्रोब नहीं ग्रो होगा आप हेल्दी रहोगे दही गुड़ खा के जाना एग्जाम अच्छा होगा ठीक है चीनी मत खाना गुड़ खा के जाना एनर्जी मिल जाएगी ग्लूकोज का भी सोर्स और उसका भी सोर्स और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जब एग्जाम अच्छा जाएगा तो ठीक है नेक्स्ट हमारे पास क्या है देखिए यहाँ पे अपने पास क्या है यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है यहाँ पे एक तो हो गया दही वाला दूसरा हम लोग, सेरेवेसी, जिसको बोलते उससे हम लोग ब्रेड और बना सकते हैं एल्कोहल एल्कोहल में दो तरीके की अपनी एल्कोहलिक कंसनट्रेशन कम होता है डिस्टिल्ड में हम लोग थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा के डाल देते हैं ठीक है बायोगैस अपना बनती है मिथैनोजन की वजह से जो कहां पे होती है जो कि आपकी अच्छा बायोगैस का मेन कंपोनेंट होता है आपका

और अभी मैं ऐसे पीने जा रहे थे मजा याद आता फिर तो दस मिनट में ऐसा होता है ना ये क्लास अच्छा सीवेज ट्रीटमेंट में याद रखना सीवेज ट्रीटमेंट में एक प्राइमरी तो होता है सेकेंडरी होता है प्राइमरी में हम लोग क्या बोलते हैं प्राइमरी में अपना होता है फिजिकल ट्रीटमेंट जिसमें कोई माइक्रोब वगैरह यूज करते सेकेंडरी में याद रखना एरोबिक टैंक में हम लोग क्या करते हैं हम लोग माइक्रोब्स यूज करते हैं और बीओडी डिक्रीज होना मतलब पोल्यूशन कम होना बीओडी इंक्रीज हो गया मतलब पॉल्यूशन बढ़ गया इस चीज को याद रखना ठीक है और और ट्रश ट्रीटमेंट के हम तभी भेजते हैं जब अपने को चाहिए होता है चाहिए होता है पानी पीने के लिए अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये याद रख के जाना ठीक है क्या याद रखे जाना कि एंजाइम्स जैसे हमारी एस्पर्टिक एसिड बनती है सॉरी एस, हमारी एस्परजिलस नाइगर से हमारी बनती सिट्रिक एसिड एसिटोबैक्टर एसिड से बनती है, अपनी एसिटिक एसिड लैक्टोबेसलेस एसिड से बनती है अपनी लैक्टिक एसिड ब्यूटारिकम से बनती है अपनी ब्यूटारिक एसिड ठीक है ये आपको याद रख के जाना है स्टैटिन स्टार्टिंग हमारा क्या होता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है ठीक है जो कि आपकी कोलेस्ट्रॉल के लिए जो एंजाइम बनाना होता है उसी को ही ब्रेक डाउन कर देता है ठीक है उसके बाद हमारा और क्या है और बाकी जो इसके तीन चार मैंने दो टेबल दी उसको करके जाना साइक्लोस्पोरिन इम्यूनो सप्रेसेंट के तरीके से वर्क करता है ठीक है इसको भी मत भूलना ठीक है और क्लॉट बस्टर क्लॉट बस्टर की तरीके से वर्क करता है जो कि हार्ट अटैक में यूज किया जाता है ठीक है ये तीनों चीजें मत भूलना याद रखना ये वाला जो टेबल है ना ये तीनों टेबल याद करना इसमें कुछ ना कुछ आएगा बेटा इसको भूल के मत जाना एक एक वर्ड है बस और इसमें कुछ है नहीं ठीक है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स में अपने पास क्या आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स में आपको पता ही है कि मेन तीन चीजें होती हैं एक हो गया जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसमें काट वट के लगाना होता है जो उसका सबसे बड़ा रोल तब आया था जब अपना रिकॉमिनेंट डीएनए आ गया था सॉरी हमें जब इंडो मिल गया था और इस कंडीशन को मेनटेन करना उसके बाद हमारे पास क्या हो गया अच्छा इसमें मेन तीन चीज होता है तीन काम एक होता है अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक होता है अपना जीन क्लोनिंग करना एक होता है अपना जीन जीन ट्रांसफर करना रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना कुछ नहीं है वेक्टर में उठा तो रिकॉम्बिनेट डीएनए बन जाता है जीन क्लोनिंग के लिए हम लोग दो चीजें यूज कर सकते हैं एक अपना यूज कर सकते हैं पीसीआर और एक हम लोग कोई भी प्लाजम यूज कर सकते हैं जीन ट्रांसफर आगे जाओ बताते हैं ठीक है

क्लोनिंग वेक्टर कॉपी करने में काम आता है ठीक है और उसके बाद हमारे पास आ गया लाइगेज लाइगेज आपका जोड़ता है सेगमेंट्स को होस्ट सेल जिसमें मल्टीमेटली काम बनाएंगे देखो क्लोनिंग साइड वेक्टर की प्रॉपर्टीज पढ़ के जाना ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होना चाहिए ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन का ओवरआई साइड का दो काम होता है कॉपी नंबर कंट्रोल करना और आपकी इनिशिएशन कराना इसको मत भूलना यहाँ पे सिलेक्टेबल मार्कर याद रखना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट हमारी सिलेक्टेबल मार्कर का काम का करती है पीवीआर थ्री ट्वेंटी टू का डायग्राम करके जाना मत भूलना बहुत इंपॉर्टेंट है आइसोलेशन में कुछ है नहीं सबसे पहले यही पांच छह स्टेप होते हैं एक हो गया आइसोलेशन आइसोलेशन में हम लोग क्या करते हैं अगर मान लो बैक्टीरिया है तो लाइसोजाइम से उसकी सलवार उड़ा देते हैं प्लांट है से, प्रोटीन वगैरह डीएनए नेकेड हो जाता है इथेनॉल डाल के प्रेसिपिटेट कर लेते हैं उसके बाद निकाल लेते हैं उसके बाद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसको रेस्ट्रिक्शन साइट पे काट देते हैं काट के टुकड़े हो जाते हैं जेल जेलेक्ट्रो फोर्सेस से निकाल लेते हैं जेल अच्छे से जा, करके जाना जेलेक्ट्रो फोर्स में याद रखना छोटा वाला वाला सेगमेंट सेगमेंट हमारा आएगा आएगा एनोड की तरफ और बड़ा अपना आएगा, कैथोड की तरफ ठीक है और इथिडियम ब्रोमाइड हम लोग डालते हैं मत भूलना और पोलैरिटी उसको अच्छे से करके जाना पीसीआर में डी ए आई अपना सीक्वेंस होता है पीसीआर का डायग्राम इंपॉर्टेंट है इसको कर लेना और सुनो एक इंटरेस्टिंग बात कि माइक्रो अब है कि चलो अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनने के बाद उसको हम ट्रांसमिट कैसे करेंगे हमारे पास क्या क्या मेथड होते हैं हमारे पास एक होता है जीनगन चीज याद रखना हुआ टीआई प्लाजमेट ठीक है इंसानों के लिए यूज करते हैं रेट्रोवायरस उसके बाद कैल्शियम ट्रीटमेंट करते हैं उसकी कॉम्पिटेंसी बढ़ाने के लिए पोर्स बन जाते हैं ठीक है और माइक्रो इंजेक्शन यूज करते हैं एनिमल में इसको करके जाने बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं उसके बाद होस्ट सेल में पूरी उसको ग्रो कराना सेपरेट करना प्यूरिफाई करके बेचना उसको डायमस्ट्रीन प्रोसेसिंग बोल देते हैं बायोरिएक्टर्स अच्छे से करके जाना बायोरिएक्टर्स आएगा ठीक है अब हम आ जाते हैं एप्लीकेशन एप्लीकेशन में हमारे पास क्या है एप्लीकेशन में क्या है एक मिनट रुको तो हाँ एप्लीकेशन एप्लीकेशन में हमारे एक तो हो गया कि बायोटेक्नोलॉजी को हम लोग यूज कर लेते हैं क्रॉप में क्रॉप को हम लोग ऐसा बना देते हैं कि पेस्ट रेजिस्टेंट हो जाए उसके ऊपर माइक्रो तो, वो कुछ कोई भी पैथोजन ना वक करें ठीक है उसके बाद उसमें पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम हो और क्या हो और आपका मुझे पानी खत्म कर लेंगे तो जो जो इम्पोर्टेंट बता रहे हैं उसको करके जाना डायग्राम बायोटेक प्रिंसिपल के सारे देख के जाना मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के डायग्राम्स पूरे देख के जाना ठीक है टेंशन मत लेना क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना और बार बार पढ़ना आ जाएगा बेटा परेशान मत हो ठीक है होगा अच्छा होगा अभी देखो है ना सबकी ब्लेसिंग्स तो है साथ में आप लास्ट में मेहनत कर रहे हो तो फिर क्या है ठीक है पेस्ट अभी देखो बीटी कॉटन बीटी कॉटन याद रखना बेस्लिस्टन से हम लोग निकालते हैं क्राइजीन उसी को हम लोग डाल देते हैं अच्छा क्राइजोन में याद रखना आ, आपकी कॉटन बॉलवॉर्म आपकी क्राई फर्स्ट एसी और सेकंड ए बी कंट्रोल होती है और आ, बाकी हमारा आ, जो है देखो हम भी स्किप कर गए हैं कॉर्न बोरर कॉर्न बोरर अपनी क्राइफ फर्स्ट एबी से कंट्रोल होती है इसको याद रखना और कैसे वर्क करता है बीटीटॉक्सिन बैसल जो अपनी होती है वो इंसेक्ट के गट में जाके इसके मेड पोर्स बना देती है लाइसिस करके उसको मार डालती है ठीक है मेडिसिन में याद रखना हम लोग इंसुलिन बनाते कंपनी बनाई थी इंसुलिन में याद रखना जो प्र, प्रो प्रो इंसुलिन होती है मेच्योर इंसुलिन होती है वो आपकी उसमें सिर्फ ए और बी चेन और सी चेन होती है मेच्योर होने के लिए सी चेन को कट करके निकालना होता है ठीक है अब देखो जीन थेरेपी याद रखना एडीए एडीए जीन थेरेपी हम लोग यूज किए थे इसमें अपने पास क्या था जीन थेरेपी अगर इम्ब्रॉनिक स्टेज में किया जाता तभी परमानेंट क्योर है नहीं तो परमानेंट क्योर है नहीं ठीक है इस चीज को याद रखना और एडीए जीन थेरेपी जब हम लोग नॉर्मली करते हैं लिम्फोसाइट्स में थोड़े दिन के लिए रहता है बट हाँ अच्छा होता है कंप्लीट क्योर होता है नॉर्मली अपने पास जो थी कि हाँ हम एडिनोसिन एमिनेस डाल देंगे या फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर देंगे वो सब सही तरीके से ठीक भी नहीं करती थी वो सारे हमारे कंप्लीट क्योर नहीं होते थे

उसके बाद देखो हम ट्रांसजेंडिक एनिमल्स क्या होते हैं जिनमें हम लोग जीन को मैनिपुलेट कर हैं ये हमारे चार तरीके के हो सकते हैं इनको हम लोग करते क्यों हैं एक की हमें उनमें बीमारियां पड़नी है उनका नॉर्मल फिजियोलॉजिकल ग्रोथ पढ़ना है दूसरा कोई टेस्टिंग वगैरह करनी है आ, तीसरा हम लोग वैक्सीन सेफ्टी के लिए बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए जैसे भी कोरोना वायरस बना था सबसे पहले इन लोग पे टेस्ट हुआ था अब हम आ जाते हैं ऑर्गेजमेंट पॉपुलेशन सबसे बेस्ट पार्ट ये सब कुछ नहीं है सिर्फ आपका पॉपुलेशन है पॉपुलेशन डेंसिटी याद रखना पॉपुलेशन साइज बोलते हैं इसको इसमें चार चीजें नेटेलिटी इमिग्रेशन से बढ़ता है मोर्टेलिटी इमिग्रेशन से घटता है आपका कैसे क्वेश्चन आ सकता है एक बढ़ रहा है एक घट रहा है बताओ क्या फर्क पड़ेगा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा दो तरीके ग्रोथ मॉडल होते हैं ग्रोथ मॉडल ढंग से करके जाना ग्राफ ढंग से करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सपोनेशियल डीएन बाई डी टी आर एन इसका फॉर्मिला है लॉजिस्टिक वाले का डीएन बाई डी टी इज इक्वल टू आन के माइनस एन डिवाइडेड बाई के के इज टू कैरिंग कैपेसिटी ठीक है एक्सपोनेशियल का अपना जे शेप करवाता है और लॉजिस्टिक अपना एस शेप करवाता है इसको याद रखना ठीक है इसका इंटीग्रल फॉर्म है वो भी कर लेना अब देखो पॉपुलेशन अच्छा अब हमारे पास पॉपुलेशन इंट्रेक्शन में आ जाती है अपनी म्यूचुअलिज्म दोनों का फायदा कंपलिज्म दोनों का नुकसान प्रोडक्शन एक का फायदा एक दूसरा में वही कम्यसलिज्म में भी एक का फायदा दूसरे का नो लॉस नो फायदा अम्युनसलिज्म में एक का फायदा दूसरे का लॉस ठीक है ऑर्किड ऑर्किड याद रखना ऑर्किड कम्युनसलिजिम का फायदा कम्युनसलिज्म का एग्जाम्पल है तुम लोग भूलते हो बार बार

ठीक है पैरासाइट के अंदर कुछ कुछ क्वालिटी होती है उनके अंदर हुक्स एंड सकर्स होते हैं वो आपके जिसके उनके अंदर डाइस सिस्टम नहीं होता है सेंसरी ऑर्गन वगैरह लॉस कर देते हैं होस्ट आपका बेचारा उसकी हालत खराब हो जाती है रिप्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो जाती है धीरे धीरे मर जाता है अब हम आ जाते हैं इको सिस्टम इको सिस्टम में क्या है हमारे पास इसमें क्या करना है इसमें कुछ नहीं करना है इसमें हम लोग के पास है आ, क्या है <laughs> इसमें हम एक्चुअली काटना है अभी मुझे कौन कौन सी चीज नहीं है एनर्जी फ्लो नहीं है और आपका सॉरी एनर्जी फ्लो है क्या हो गया मेरे को हमारे पास हाँ सक्सेशन नहीं है ठीक है न्यूट्रिएंट साइकिल नहीं है सिलेबस में तो देखो इकोसिस्टम अपना दो तरीके का होता है एक हो गया अपना टेस्टल एक हो गया अपना एक्वाटिक ठीक है एक आपको पता है जहां पे पानी ना हो एक नेचुरल होता है एक मैनमेड होता है मैनमेड खुद से सस्टेन नहीं करता और नेचुरल कर जाता है और इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर के लिए दो चीजें जरूरी एक स्पेसिज एक उनका अरेंजमेंट जिसको बोलते हैं स्पेसिएशन वर्टिकल अरेंजमेंट ठीक है और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं स्ट्रटिफिकेशन नॉट स्पेसिएशन सॉरी उसके बाद हम लोग आ जाते हैं पे आपका इकोसिस्टम में प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम के फंक्शन के लिए चार चीज जरूरी है एक होता है प्रोडक्टिविटी एक होता है आपका प्रोडक्टिविटी का होना दूसरा आपका आ जाता है डिकम्पोजेस का होना फिर आपकी आ जाती है किसका थर्ड हो जाती है एनर्जी फ्लो होना फोर्थ हो जाती है आपका न्यूट्रियन साइकिल एक मिनट प्रोडक्टिविटी जिकम्पोजर्स एनर्जी फ्लो और न्यूट्रन साइकिल ये चार चीजें नहीं होंगी तो आपका कोई इकोसिस्टम फंक्शनल नहीं होगा दो तरीके की प्रोडक्टिविटी देखी होती है जीपीपी ग्रॉस ग्रॉसिट प्रोडक्टिविटी जो कि प्रोडक्शन बनाते हैं आर लॉस होता है एनपीपी जो सेकंड के लिए अवेलेबल होता है ठीक है याद रखना अपने पास इकोलॉजिकल uh, पिरािड्स होते हैं मास के होते हैं बायोमास के होते हैं नंबर के होते हैं एनर्जी के होते हैं एनर्जी वाला अपराइट होगा बायोमास में इन्वर्टेड और वो दोनों होगा इन्वर्टेड अपने को मिलेगा एक्वेटिक में ठीक है और uh, उसके बाद अपने को मिल जाएगा इसमें क्या बोलते हैं नंबर हाँ, नंबर में भी अपना इन्वर्टेड और वो दोनों मिलेगा ठीक है जैसे कि अब यही इतनी सी बात है टेन परसेंट लॉ याद रखना टेन परसेंट लॉ क्या है 10 -10 तो अच्छा इससे आपके घुमा फिरा के बन सकते हैं तो थोड़ा जो है नोट्स ढंग से पढ़ के जाना इसकी और टेंशन नहीं लो प्रिपेयर करते रहो बस ऑर्गेनिज्म बायोडाइवर्सिटी अपना लास्ट चैप्टर है इसमें क्या है इसमें अपने पास कुछ नहीं है इसकी तो बहुत तगड़ी हमने आपको नोट्स दी है ठीक है याद रखना जेनेटिक तीन तरीके की डाइवर्सिटी होती है जेनेटिक स्पीशीज और आपकी इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल में क्या है हम लोग की इंडिया की इकोलॉजी ज्यादा है स्पीशीज में वेस्टर्न घाट में ज़्यादा ईस्टर्न घाट में कम है जेनेटिक में आपका एग्जांपल आ जाएगा रॉल्फिया इसमें याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट आपका याद रखना कि जैसे ही हम इक्वेटर से पोल पर जाते हैं स्पीसीज कम होती है तीसरा याद रखना कि हमारे पास स्पीसीज बढ़ाने से एरिया बढ़ता है स्पीसीज एरिया रिस्टेंस वाला ग्राफ अच्छे से देख के जाना ठीक है उसके बाद बायोडाइवर्सिटी में अपने पास क्या हो जाता है हमारे पास आ जाती है आपकी

कंजर्वेशन हमारा एक इंसिट्यू हो सकता है एक्सीट्यू हो सकता है एनसीटू अपना ऑन साइट हो गया एक्सीटू अपना ऑफ साइट हो गया इसका डिफरेंस हमने दिया उसको करा लेना ठीक है बायोडावर्सिटी लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्यों क्यों लॉस होता है एक होता है हम लोग की हरकतें हैबिटेट लॉस फ्रेगमेंटेशन की वजह से ठीक है दूसरा आपका आ जाता है कोई एक्सटेंशन को एक्सटेंशन में आपका एक गायब होता है दूसरा गायब हो जाता है जैसे प्लांट गायब हुआ पॉलिनीटर गायब हुआ पॉलीटर गायब हो ठीक है तीसरा अपना आ जाता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ठीक है जैसे हम लोग पिजन के साथ करते हैं स्टिलर सिकाऊ के साथ करते हैं फोर्थ आ जाता है आपका ओवर एक्सप्लॉयटेशन के अलावा आ जाता है Alien species invasion, बहुत अच्छा इसको करके जाने इसके के ठीक है है जैसे एक वाला और बस यही इतना है इसके अंदर और आपको क्या है जितनी चीजें आपको बोले हैं अच्छा एक बार हम सारे के ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम आपको जो जो बताते करते जाओ अच्छे से दो बस इतना हम बोलेंगे ना कि खुद पे भरोसा रखो मैंने क्या किया मैंने बस

इंस्टिगेटर का, का काम किया है ठीक है बाकी कोई भूल चुको बेटा माफ करना बेस्ट अटेम्प्ट कम्पलीटिंगी इन वन आवर एंड इट वॉज जस्ट वेरी आई थॉट कि नहीं तुम लोग का एक रिविजन होना चाहिए और ऑल द वेरी बेस्ट अपने पे भरोसा रखो टेंशन बिल्कुल मत लो बहुत अच्छे से होगा ओके ओके मेरा एक सेशन था बच्चे हमारे वेट भी कर रहे होंगे देख लो हो, हम रिशेड्यूल करना भी भूल गए अच्छा चलो ठीक है तुम लोग का रिकॉर्डिंग बनाने के चक्कर में आ, कोई बात नहीं है आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो और उम्मीद करते हैं कल आपका जब पेपर हो अच्छे से हो आ, तो फिर आप मुझे आके ज़रूर बताना कि हाँ पेपर कैसा गया जानेंगे ठीक है कहीं से भी पढ़े हो, कैसे पढ़ो जानने का हक एटलीस्ट मुझे है तो आके बताना कि मैम कैसा गया अपनी खुशियाँ मुझसे बांटना कोई स्ट्रेस होगा वो भी बातना वो भी हम कम करेंगे और आइए हम लोग बातें करेंगे फिर आगे लाइफ में क्या कैसे बहुत सारे अपकमिंग सेशन होना है आई ए वॉन्ट एक्सटेंडेड सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑल द बेस्ट बच्चो ऑल द बेस्ट बहुत सारी ब्लेसिंग बहुत सारी ब्लेसिंग एंड टेंशन मत लो ठीक है अपने पे भरोसा रखो और uh, भरोसे के साथ क्वेश्चन पढ़ना अगर ये सोच के जाओगे कि मेरे को नहीं आ रहा नहीं आ रहा मैं तो पूरा साल पढ़ा नहीं हूं तो आप जो आते रहेंगे वो भी चीजें भूल जाओगे खुद पे भरोसा रखो अपने पाप आज ही मत गिनो खुद को माफ करो थ्रू आउट द साल की गलतियां और जाके अच्छे से फोड़ के आओ ठीक है एंड जस्ट ऑल द वेरी बेस्ट ऑल द बेस्ट